आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को पुश कर रहा है, ये सेंटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है। क्या खबर है इस लेक्चर में जानेंगे। भाई ऐप को डाउनलोड करो और क्या कोर्सेज अवेल करो, मजा आएगी आपको। सेंटर और व्हाट्सएप की जो लड़ाई है ये बहुत तेज होती जा रही है। सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बोला कि वो व्हाट्सएप जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है लगातार नोटिफिकेशन भेज रहे हैं ताकि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अभी तक लॉ बना नहीं है, तो इससे पहले ये लॉ बन जाए, जब तक ये लॉ नहीं बन रहा है इससे पहले ही व्हाट्सएप चाह रहा है कि हर कोई इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले। देखिए ये तो बात सही है, व्हाट्सएप ने मुझे नोटिफिकेशन भेज भेज के परेशान कर दिया कि भैया मेरी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर लो। लगातार हर दिन नोटिफिकेशन आती रही जब तक कोई एक्सेप्ट ना कर ले, ये बताया है। सेंटर और व्हाट्सएप जो है टसल जो है इनमें बढ़ती जा रही है। अच्छा व्हाट्सएप ने क्या बोला, व्हाट्सएप ने बोला कि देखो भैया प्राइवेसी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे यूजर्स को प्रॉब्लम हो, उनके मैसेजेस हमारे पास सेफ हैं, और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे यूजर के मैसेजेस लीक हो जाएं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, ये तो हमारा रूटीन है। सरकार कह रही है गेम बहुत क्लियर है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक लॉ बना नहीं है, इससे पहले ही सबसे एक्सेप्ट करवा दो, क्योंकि एक बार ये बिल आ गया तो व्हाट्सएप के पसीने छूट जाएंगे, हर चीज का इनको जवाब देना है। तो यहां पे कोर्ट से यही बोला है कि व्हाट्सएप से बोलो कि नोटिफिकेशन भेजना बंद करें। सेंटर ने इसी पे ही आर्ग्यू किया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर वही है कि सेंटर ने बोला है व्हाट्सएप से कि ये करना बंद करे। कोर्ट में जब पीआईएल फाइल हुई तो सेंटर ने ये आर्ग्यू किया कि व्हाट्सएप से बोलो कि ये नोटिफिकेशन ना भेजे, तो व्हाट्सएप ने वही बोला कि हम भेजते रहेंगे, और ये तो लोगों की अथॉरिटी है ना, ये तो लोगों का राइट है कि वो बिजनेस अकाउंट से इंटरैक्ट कर सके, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, हम कौन सा इनका मैसेज लेके सब जगह लीक कर दे रहे हैं। कंपनी ने ये भी बोला कि देखो भैया व्हाट्सएप जो है अपनी फंक्शनैलिटी को लिमिट नहीं करेगी, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। अरे बाप रे, और हम यूजर्स को वक्त वक्त पे याद दिलाते रहेंगे कि व्हाट्सएप अपडेट कर लो। इससे होगा क्या कि लोग बिजनेस से इंटरैक्ट करेंगे, और हम इस अप्रोच को रखेंगे जब तक पर्सनल डेटा जो लॉ है वो नहीं आता। आपको पता ही है कि मार्च में सेंटर ने बोला था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो 2011 के आईटी रूल्स को वॉयलेट करती है, तो कोर्ट से बोला था कि व्हाट्सएप को रोको कि वो प्राइवेसी पॉलिसी अभी ना भेजे, जब तक पर्सनल डेटा लॉ नहीं आता तब तक इसको रोक दो। इस पिटीशन को नोएडा रेसिडेंट डॉक्टर सीमा सिंह ने फाइल किया था अलोंग विद द रेसिडेंट मेगन एंड विक्रम सिंह, और यही बोला था कि जिस तरीके से व्हाट्सएप बता रहा है और उनकी पूरी पॉलिसी है, दाल में कुछ काला लग रहा है। व्हाट्सएप रिटर्न रिप्लाई दिया कोर्ट के सामने कि ऐसे तो बहुत सारे इंटरेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, और हम तो कुछ नहीं, हमसे तो बहुत ब्रॉड तरीके से कलेक्ट करती हैं, अगर आप इसको रोक देंगे, हमको रोक देंगे, तो ये तो लोगों की राइट छीन लेगा ना, ये लोगों की आज़ादी है कि वो प्राइवेट पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और इंडस्ट्री को भी डिसरप्ट करेगा, तो ये तो आप एक तरीके से कानून और लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। यही सेंटर और व्हाट्सएप में लड़ाई चल रही है। फिलहाल लेक्चर खत्म होता है, छोटी सी न्यूज थी, मुझे लगा बता दें, अभी ये लड़ाई बहुत लंबी खिंचेगी, और हम आपको अपडेट देंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।